टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं काबिले तारीफ है। उपरोक्त बातें लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी ने कही। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की क्वालिटी वगैरह वगैरह देखकर समझकर बस यही कह सकता हूँ कि यह संस्था कीचड़ में कमल के जैसा है। अर्थात ये शहर के बिल्कुल किनारे सन्नाटा में इतनी अच्छी व्यवस्था और पढ़ाई देखकर बहुत खुशी हुई। भरे मन से उन्होंने अपने भाषण में कहा कि संस्था को न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे बिहार में नंबर वन बनाने में मेरी जहां जरूरत हो हम वहां 24 घंटे साथ खड़े हैं। उपरोक्त बातें आज 2 दिवसीय फर्स्ट एड सीपीआर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि मैं टारगेट के पूरे मैनेजमेंट को बधाई देता हूं क्योंकि महज चंद सालों में ये उपलब्धि काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मेयर अंजुम आरा और अनेक प्रतिनिधि डब्बू खान भी अपने संबोधन में संस्था की तारीफ की। विशेष अतिथि के रूप में बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिशान फारूकी ने कहा, मैं सुना करता था कि पारामेडिकल के क्षेत्र में एक उभरती हुई संस्था है। आज यहां आकर लगा कि जो मैंने सुना करता था वो देख भी रहा हूं। खासकर ये जानकर टारगेट संस्था बहुत कम समय में तरक्की किया है, बहुत खुशी हुई। आपको बताते चले कि आज टारगेट इंस्टीट्यूट पर 2 दिवसीय फर्स्ट एड सीपीआर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसका आज पहला दिन था। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, मेयर अंजुम आरा, डब्बू खान, जिशान फारूकी उपस्थित थे। पहले दिन के कार्यक्रम में फर्स्ट एड के बारे में डॉक्टर शांतनु कुमार द्वारा बच्चों को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मजहरुल इस्लाम ने किया जबकि कार्यक्रम को सफल आयोजन में इस संस्था के फाउंडर डॉक्टर इंतखाबुल हक, चेयरमैन डॉक्टर कायनात आफ्ताब, सल्फिया इंस्टीट्यूट ऑफ पारामेडिकल के डायरेक्टर मोहम्मद शारिक, आईटी मैनेजर पूजा रानी, डॉक्टर रमन अंसर, हारिश विशाल सैफी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। टारगेट का ओपनिंग क्या करें, यहाँ के टारगेट ओपनिंग का दूसरा दिवस है और मुझे सुबह से पता भी नहीं था लेकिन अचानक से पता चला और बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है। यहाँ के बच्चों के लिए मेरी यही दुआ है कि ये लोग तरक्की करें और बहुत आगे तक जाए। इस इंस्टीट्यूट का जो है पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे जगह पे इसका विकास हो और इस पर जो भी जरूरत पड़ेगा हम लोग का तो हम लोग उस पर जरूर काम करेंगे, उन लोग की मदद भी हर तरह से करेंगे। यकीनी तौर पर बहुत मजा आया, हमको यकीन नहीं था कि दरभंगा में हमारे पास इतनी बड़ी संस्था है। छुपा रुस्तम हमारा वो सारा मैनेजमेंट का साथी निकला जिसने छुपा कर ये काम किया था। आज हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और दुआ देते हैं मैनेजमेंट के तमाम लोगों को कि उन्होंने दरभंगा में वो चीज़ ला दिया जिसके लिए लोग बहुत बाहर बाहर जाकर तालीम हासिल करते थे। और हम समझते हैं कि टारगेट इंस्टीट्यूट जो मेडिकल का ये है, इसका जो मकसद है वो बड़ा अच्छा लगा जब एक निदेशक ने अपनी बात रखी थी कि केवल प्रोफेशन ही नहीं सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ना हम लोग का ये है। तो समाज के दुखों के साथ जब चलना सीख जाइएगा तो ज़िंदगी का वो मकसद कामयाब होगा। और हम आज इस मौके पर तमाम जो तालिबे इल्म है यहाँ उनको, मैनेजमेंट के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि बाधाएं तो ज़िंदगी में आती रहती हैं लेकिन अगर ये नाचीज़ किसी काम के आ सके तो मैं हर 24 घंटा ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए खड़ा मिलूंगा जहाँ तक हमसे हो सके। एक अवधारणा बना हुआ है कि बाहर जाकर ही मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल पास क्रैक कर सकते हैं, क्या दरभंगा में संभव है? यही धारणा को इस टारगेट ने तोड़ा है और जब यहाँ से लड़के निकलेंगे जो उनका मकसद है उसको जब कामयाब करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। तो हमको आज आपके माध्यम से हम दरभंगा, खासकर आपके चैनल को जितने सब्सक्राइबर हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस संस्था से जोड़िए और तब बच्चों का भविष्य बनेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज होगा। जी सर, ये आज का जो कार्यक्रम टारगेट इंस्टीट्यूट में है ये कैसा कार्यक्रम है, क्या? सबसे पहले तो सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सब लोग जान रहे हैं आज के दिन इतनी कड़ाके की ठंडी है फिर भी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जो एक हम लोग एक तरह से कहूँ तो जागरूकता अभियान टाइप का ये कार्यक्रम है जो हर जीवन जनजीवन की ज़रूरत है, जितने भी इंसान इस धरती पे उन सबको ज़रूरत है एक ऐसा प्रोग्राम की और आप लोग यहाँ पहुँचे। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सर हमारे कॉलेज के अंदर में जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है सीपीआर एंड फर्स्ट एड सीपीआर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को, सिर्फ बच्चों ही नहीं, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम के में सिर्फ अपने कॉलेज के बच्चों को ही नहीं बाहर के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवा, पूरा ओपन रजिस्ट्रेशन था
जिसमें बाहर के बहुत सारे लोगों ने लिया है, क्योंकि ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ये 2 दिन का कंप्लीट वर्कशॉप ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे 2 ट्रेनर हैं, डॉक्टर शांतनु सर है जो फर्स्ट रैंड CPR के ट्रेनर है जो कि कंप्लीट ट्रेनर देंगे, और डायस्टर मैनेजमेंट के जो ट्रेनर है सुरेश सर है जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सिविल डिफेंस के वो मेम्बर है। तो इन सारे लोगों ने यहाँ पर एक लाया और हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा के, जिससे कि क्योंकि आज के टाइम पे हर लोगों को फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं, हम कहीं भी होते हैं, हम घर में होते हैं, हम पड़ोस में होते हैं, हर जगह अचानक से हार्ट अटैक आ गया, कोई लोग जल गए, कोई बर्न हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया चलते रोड में, आप लोग तो मीडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट को देखते हैं, लेकिन अगर ये हर लोग जाने तो मेरा एक यहाँ से एक मेन जो एम है आज, जो लोग पार्टिसिपेंट है वो लोग भी जाने, उन लोगों के थ्रू सारे लोग जाने कि कैसे अगर कोई एक्सीडेंट है, कोई घर में अचानक से 12 बजे रात में हार्ट अटैक आ जाता है अपने घर के अंदर, किसी का बर्न हो जाता है, किचन में आग जल लग जा रही है, तो इन सारे चीज़ों में हम फर्स्ट एड कैसे दे पाए और हम कैसे पूरी से पूरी लोगों को ह्यूमिनिटी को सेव कर पाए, इस प्रोग्राम को लेकर के हमने आज एक बहुत बड़ा 2 डे का वर्कशॉप सेमिनार है, जो आज उसका पहला दिन है, कल उसका दूसरा दिन होगा हमारा। दरभंगा में अलग अलग जगह होता है सर इस तरह का कार्यक्रम, आपका कार्यक्रम क्या है अलग? देखिए दरभंगा में डेफिनेटली ऐसे ऐसे कार्यक्रम बहुत जगह पे होते हैं, हम लोगों ने दो चीज़ बहुत सारे कॉलेजेस भी कराते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग रखा, या तो CPR फर्स्ट एड होता है और या अलग एक डायस्टर मैनेजमेंट होता है, हमने इस दोनों प्रोग्राम को कंपाइल करके एक साथ किया है, और जो एक अपने आप में यूनिक है क्योंकि हर लोग को ये चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जनरली अलग अलग संस्थान जो इंस्टीट्यूशन की है वो एक सेपरेट कराते, लेकिन हम लोगों ने पहले ही मैं आपको बोला कि हमारा इस प्रोग्राम का मोटिव है कि हर वो शख्स जो इस धरती पे है वो उस धरती के हर एक शख्स को इसका इम्पोर्टेंस और नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने ओपन रजिस्ट्रेशन रखा था, चाहे वो लोग नॉन मेडिकोज क्यों नहीं हो, नॉर्मल ग्रेजुएट क्यों नहीं हो, 10th पास क्यों नहीं हो, 12th पास क्यों नहीं हो, वैसे वैसे बच्चों यहाँ पर आए हैं, वैसे गार्जियन टाइप के लोग भी आज इसमें पार्टिसिपेट रहे और काफ़ी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों को देख के यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मजहरुल इस्लाम है, मैं को फाउंडर ऑफ ट्रांजिशनल मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी।